अगर आप GTA San Andreas के अंदर मोड्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं आए दिन बहुत सारे GTA San Andreas के मोड्स एंड मॉड पैक अपलोड करता रहता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों के फोन में प्रॉब्लम आती है कि वो अपने एंड्रॉइड एंड डेटा के अंदर फाइल्स को पेस्ट नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है कि वो अपने फोन के अंदर APK को इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उनका गेम क्रैश करता है। ये वीडियो पूरी ऑल इन वन वीडियो होने वाली, जो कि आपको पूरे यूट्यूब में सिर्फ एक ही वीडियो होगी जो आपको देखनी होगी, और उसके बाद में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके मोड्स एंड आपके चिट्स आप अपने फोन के अंदर ही को खेल सकते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप अपने फोन के अंदर सारे मोड्स को इंस्टॉल करने की कैपेबल हो जाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करा, एक भी पार्ट स्किप करा, तो आपके फोन के अंदर मोड्स इंस्टॉल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई तो गेम आपका क्रैश करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप ग्लो मिनी को कैसे इंस्टॉल करोगे और उसके बाद में अपने जो एंड्रॉइड एंड डेटा की रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम है उससे कैसे फिक्स करोगे, जिससे कि आप अपने एंड्रॉइड 13 एंड एंड्रॉइड 14 वाले जो यूजर्स हैं वो अपने एंड्रॉइड डेटा के अंदर फाइल्स को पेस्ट कर पाएंगे। एंड देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोड पैक को इंस्टॉल करोगे। तो जितने भी मोड पैक, ग्राफिक्स मोड पैक जो मैं चैनल पे अपलोड करता हूं, वो सारे सारे ग्राफिक्स मोड पैक आप अपने फोन के अंदर कैसे इंस्टॉल करोगे। चलिए वीडियो को शुरू करते है इंट्रो को ज्यादा ना बढ़ाते हुए एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लो मेन्यू। सबसे पहले दो फाइल आपको मिलती है APK की एंड आपको मिलेगी दूसरी फाइल। APK की फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे और जो हमें यहां पे फोल्डर मिलेगा, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, GTA San Andreas APK के अंदर जाएंगे। नाउ यहां पे जितने भी ये फोल्डर देख रहे हो ये सारे आपके एंड्रॉइड वर्जन के अकॉर्डिंग आपकी APK है। तो मेरा वर्जन एंड्रॉइड 13 है, तो मैं एंड्रॉइड 13 पे जाके एंड्रॉइड 13 वाली एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा और पुरानी एप्लीकेशन को आप डिलीट कर दीजिएगा अगर आपके इंस्टॉल है ऑलरेडी, उसके बाद में ही इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद में इंस्टॉल होगा। ठीक है, मैं डन करता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, इन स्क्रिप्ट्स को हम सिंपली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे com.rockstargames.gtsc के फोल्डर को कट करके डिवाइस स्टोरेज में जाके एंड्रॉइड डेटा के अंदर नॉर्मली हम पेस्ट कर देंगे जैसा हम करते हैं। नाउ दैट्स इट, हम इसके बाद में अपना गेम ओपन करेंगे एंड गेम ओपन करने के बाद में यू विल सी स्टार्ट गेम करते ही हमारे सामने जो नॉर्मल लोडिंग स्क्रीन आती है वो आएगी एंड मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से क्लो मेन्यू को ओपन करेंगे अपने गेम के अंदर। नाउ जैसे गेम ओपन हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोड पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जब रोड्स पे मैं आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है ऊपर से नीचे, देन आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चिट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारे चिट्स को आप लेफ्ट राइट अप डाउन की मदद से जो है कंट्रोल कर सकते हो अपने गेम के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप देख पा ही रहे हो कि मैं यहाँ पे जो है फॉल का जो चिट है वो अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ से गिर रहा होता हूँ, मैं फ्लाई का यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उड़ रहा होता हूँ। तो ये चिट्स आप जो है ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके जो है अपने गेम के अंदर क्लो मेन्यू को ला सकते हो और उसके साथ में आप क्लो मेन्यू को अपने फ़ोन के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हो गाइस जी। हाँ, हम इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सारी क्लो स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे ट्राई भी करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जो चिट्स है वो हो सकती है। तो उसमें से ये है हमारा सेल्फी वाला चिट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और गेम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। नाउ सेलेक्टेड प्लेयर्स में हम यहाँ पे अपने प्लेयर की स्किन चेंज कर सकते हैं, जो भी आप स्किन चेंज करना चाहो वो आप स्किन चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो मैं यहाँ पे स्किन चेंज कर रहा हूँ। प्लस आप उस स्किन का जो एक क्लोन है वो भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो अपने गेम के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो है कैरेक्टर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। नाउ सेट टाइम में हम जाकर अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गेम का टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा मॉर्निंग टू नाइट अगर आप करना चाहते हो। नाउ यहाँ पे मिशंस में जाके हम मिशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मिशंस आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करके एंड यू कैन प्ले। नाउ व्हीकल में जाकर के यू कैन इंपोर्ट एनी व्हीकल फ्रॉम द गेम यू वांट, राइट, जैसे कि मैं देख ही आप पा रहे हो कि मैं यहाँ पे व्हीकल भी है इंपोर्ट कर पा रहा हूँ अपने गेम के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्लो मेन्यू। वॉक ऑन वाटर भी हमने कर दिया, यानी कि हमारी जो कार है वो पानी के अंदर भी जाएगी। और व्हीकल मॉडिफिकेशन में जाकर के मैं आपको दिखाता हूँ, व्हीकल मॉडिफिकेशन में हमें नाइट्रो देखने के लिए मिलता है तो मैं नाइट्रो भी एनेबल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गाड़ी का कलर भी चेंज कर सकता हूँ यही से, जो कि यार मुझे गैराज के अंदर ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास क्लो मेन्यू है तो हम उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमने कार के अंदर और बहुत सारी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, जैसे कि आप भी देख ही पा रहे हो कि मैं अपनी कार के अंदर कितने सारे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ अपनी क्लो मेन्यू की हेल्प से। जस्ट लाइक दैट गाइज, आप भी कर सकते हो, जस्ट
इंस्टॉलिंग दिस ग्लो मॉड पैक, जिसे कि आपको मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिखाया, बहुत ही ज़्यादा इजी सिंपल सा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा कि आप पहले इंस्टॉल करते थे उसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है सेटिंग्स ओपन करके सर्च करना है एंड्रॉयड, है ना, मैं एंड्रॉयड वर्जन में जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको आपको जो है अपना वर्जन में जाने के बाद में और बिल्ड नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्ड नंबर को आपको क्लिक करके रखना है। यहाँ पे क्लिक करते करते आपको जो है डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डेवलपर ऑप्शन आपको क्या करना है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमें एक एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब हमें गाइस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करने का एक बहुत बड़ा ये पर्पस है कि इस एप्लीकेशन से ही हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो इस वाली एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पेयरिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अलाउ नोटिफिकेशन करने के बाद में बैक जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स को अनेबल करना है, जो कि रहेगा आपका यूएसबी डीबगिंग, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक और रहेगा जो कि रहेगा वायरलेस डीबगिंग। इसको अनेबल करने के बाद में इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सीजू की पहले से ऐड कर रखा है, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है आपका आना चाहिए। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, यहाँ पे आपको कोड देखने के लिए मिलेगा, ऊपर एंटर पेयरिंग कोड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में 33 जो भी आपका कोड आएगा उसको यहाँ पर आपको जो है पेस्ट करना है, ठीक है, आपको कॉपी कर देना है सिंपल, ठीक है। उसके बाद में एरो के बटन पे क्लिक करके मैं इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पे पेयरिंग सक्सेसफुल मुझे आ गया है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हमने इसको जो है पूरा का पूरा पेयर कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पे आपको एक और जो है सेटिंग्स को अनेबल करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकता है ये करने के बाद भी, तो उसको फिक्स करने के लिए ये सेटिंग हम अनेबल करेंगे, ठीक है। सबसे नीचे जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन के सबसे नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर आने के बाद में दिखेगा डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग, इसको यहाँ पे अनेबल कर देना गाइस। जी हाँ, इसको अनेबल कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। इसको अनेबल कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे आप जो है ऑलमोस्ट रेडी हो। ZArchiver आपको डाउनलोड करना रहेगा, ZArchiver आपके पास ऑलरेडी होगा, आई होप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, फिर मैं यहाँ पे अबाउट में क्यों जा रहा हूँ भाई, सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको रूट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एक्सेस जो है यहाँ पे आपको सीजू को चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में ये 2 सेटिंग्स आपके डिसेबल होगी, इनको अनेबल कर दीजिए। दैट इज़ इट, हो गया गाइस अनेबल करने के बाद में, और कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि सारी की सारी जो आपने चीज़ें हैं वो कर दी है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने एंड्रॉइड डेटा के अंदर जाने के बाद में। ओके एक सेकेंड, ये बोल रहा है सीजू को इज़ नॉट रनिंग, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद से, मे बी मुझे एक बार जा कर के देखने दो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके हमने एक यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, हमें यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद में ये हमें बोल रहा है कि एक बार जो वायरलेस डिबगिंग है इसको अनेबल कर, इसको डिसेबल करिए और अनेबल करिए, ठीक है। अब हमें करने के बाद में यहाँ पे कोडिंग चालू होगी, ठीक है। अब ये कोडिंग चालू हो जाने के बाद में यहाँ पे गाइस जो है पूरा कंफर्म हो चुका है, दैट्स इट। अब हम जाएंगे ZArchiver के अंदर, और अब हमें देखेंगे कि हमें फाइल्स देखने के लिए मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे हमें जो है एक्सेस मांग रहा है सीजू की तरफ से, अलाउ ऑल दिस टाइम, और नाउ गाइस हमारी जो डेटा फाइल्स है वो आ चुकी है सारी की सारी, और अब यहाँ पे मैं कुछ भी फाइल को यहाँ से उठा करके डिलीट कर सकता हूँ, और इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे बार भी पेस्ट कर सकता हूँ। वाओ, कमाल हो गया भाई, ये तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं OBB में जाकर के यहाँ पे इस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे चाहे तो ये वाली फाइल को उठा करके मैं इसको एंड्रॉइड डेटा के अंदर कॉपी भी कर पेस्ट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, और बहुत सिंपल था, और सारी चीज़ें हमने कर दी है। और हाँ गाइस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जो सीजू की एप्लीकेशन है कभी कभी आपकी स्टॉप हो सकती है, तो यहाँ पे आपको मे बी बार बार आकर के आपको
स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना पड़े और फिर बार बार आपको जो है ये चीज़ें करना पड़े, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जब आप सीजो को एप्लीकेशन को यहाँ से जो है हटा दोगे बैकग्राउंड से, फिर जब आप एंड्रॉयड के अंदर जाओगे तो मे भी कुछ फाइल्स ना काम करें, बट मेरे केस में ये स्टिल वर्क कर रहा है तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छी वाली बात है। बट आपके केस में अगर नहीं करता है तो आप वापस से सीजो की एप्लीकेशन को ओपन कर करके सेम स्टेप को जो है फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। सबसे पहले आपको सीपीयू जेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एंड उसके बाद में आपको ओपन करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में आपको नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे जीपीयू रेंडरर में, यहाँ पे मेरा जीपीयू है वो है एड्रेनो, तो आपके फ़ोन में यहाँ पे माली हो सकता है या कुछ और भी जीपीयू हो सकता है, तो ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ZArchiver एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ZArchiver आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है फाइल मैनेजर की तरह, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और भी बहुत सारे जो मॉडर्स एंड जो GT San Andreas के यूट्यूबर्स है वो इस वाली एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपने मोड को इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज आई थिंक ये वाली जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी है और मैं तो पिछले 5-6 सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, तो मैं पूरा यूज टू हो चुका हूँ इस वाली एप्लीकेशन का। तो इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाना है। आपको देखना है आपका फोल्डर आपने जो डाउनलोड किया है, दो फाइल्स होगी जो कि होगी आपकी APK एंड होगी आपकी डेटा फाइल, ठीक है। दोनों में से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके। इसका भी लिंक आपको हर एक मोडपैक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर इंस्टॉल होती है पहले से फ़ोन में तो इंस्टॉल मत करना, स्किप कर देना। उसके बाद में आपको जो फाइल है मेन फाइल कंप्रेस्ड फाइल उसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे क्लिक करके। पासवर्ड आपको डालना रहेगा, पासवर्ड आपको क्या डालना है पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो से आप मोड डाउनलोड करोगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पासवर्ड मिल जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि पासवर्ड क्या है भाई, तो प्लीज़ अपना जो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए कि पासवर्ड है कि नहीं, और अगर नहीं मिलता है फिर मुझे कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने का टाइम आपको लगेगा थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस। जस्ट एक्सट्रैक्ट होते ही यहाँ पे फोल्डर मिलेगा, एंड फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद में कॉमडोर रॉकस्टार गेम डॉट GTSA में जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, एंड फाइल्स में जाने के बाद में यहाँ पे TXDB का जो फोल्डर मिल रहा है इसमें जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको कटसीन GTA 3 GTINT एंड TXT ये चार फाइल्स को आपको रीनेम करना है। उसके अलावा आपको कोई भी फोल्डर को रीनेम नहीं करना है, और जो मोडपैक मैं प्रोवाइड करूंगा हो सकता है कि उसमें कट सीन का फोल्डर ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट जाएंगे रीनेम वाला जो स्पेलिंग है इसको यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव करके और अपने GPU का नेम लिखेंगे। GPU का नेम आपका आपके फ़ोन के अंदर ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपको अपना GPU पता होना चाहिए फ़ोन का, ठीक है। फ़ोन का GPU पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे। जैसे मेरा यहाँ पे ETC है, मैं ETC लिख रहा हूँ। आपका जो भी हो सकता है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अलग अलग GPU के अकॉर्डिंग क्या क्या नेम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बैक जाएंगे, एंड GTA 3 का जो फोल्डर उसमें जाके भी हम इसको रीनेम करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया चार फोल्डर के अंदर रीनेम करना है, और रीनेम का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, उसकी वजह से गेम उनका क्रैश करता है, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट भी अगर मिस हुआ तो वो आपका गेम क्रैश कर देगा। तो एक भी डॉट मिस नहीं होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका गेम क्रैश हो जाएगा पूरा का पूरा, और फिर आप मुझे कमेंट करोगे कि मेरा गेम क्रैश कर रहा है। काफ़ी लोगों का ये भी एक इशू होता है कि इंस्टॉलेशन वीडियो पूरी देखते नहीं है, और इसलिए मोडपैक डाउनलोड करके जस्ट वो इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में उनका गेम क्रैश करता है, और फिर मुझे वो कमेंट में आके बोलते हैं आपका गेम मोडपैक क्रैश कर रहा है। तो गाइस एक बार इंस्टॉलेशन वीडियो को देख लीजिए, ऑल्दो अगर आपका गेम फिर भी क्रैश कर रहा है तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। GTINT का जो फोल्डर है इसको भी यहाँ से हम रीनेम करेंगे, एंड रीनेम को यहाँ पे जैसे हटाएंगे यहाँ पे ETC लिखेंगे। ऐसे आपको तीन फोल्डर जहाँ जहाँ रीनेम लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ये जो है काम करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे रीनेम स्पेलिंग लिखी हुई है उसको आपको रिमूव करना है, एंड रिमूव करने के बाद में आपको अपने GPU का नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना जो काम है वो फिनिश कर दिया है ETC लिख करके अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। मैं अगेन रिपीट करूँगा गाइस, अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम लिखना है। मेरा यहाँ पे ETC, इसलिए मैं ETC लिख रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पे PVR होता है तो आपको PVR लिखना है, मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि मिस्टेक करी गेम आपका क्रैश हुआ। ये वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप, एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन जो
प्रोसेस है वो पूरा फिनिश नहीं हुआ है, मैं अभी भी रीनेम किया जा रहा हूँ क्योंकि एक लास्ट फोल्डर है हमारा TXT, इसको रीनेम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जाएंगे एंड इसी को भी हम यहाँ से कर देंगे ETC, ओके करेंगे एंड यहाँ पे जो लास्ट फाइल है इसको भी रीनेम करके क्लिक करके एंड यहाँ पे ETC इसको भी मैं कर दूंगा। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका फिनिश हो गया है। बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको बैक जाना है एंड फोल्डर को यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद में डिवाइस मेमोरी में जाना है एंड एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड ये सिंपल सा स्टेप आपको करना है बस। उसके बाद में आपको अपना गेम APK को यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा होम स्क्रीन पे जाके एंड देन आपका गेम चल पड़ेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत अच्छे से चलने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिनिश कर दिया है। और मेरे जो भी आगे की जो वीडियोस आ रही है उनमें भी जो मैं मोडपैक अपलोड करूँगा तो उनका भी जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो सेम होने वाला है। सो डोंट वरी गाइस कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिफरेंट होगा, अगर कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है सो उसके बारे में भी चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या ऐसा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं रिमाइंड देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि GT सरेंड्रियास से रिलेटेड वीडियोस आ रही है चैनल पे, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप GT सरेंड्रियास के फैन हो और अपने फोन के अंदर मोड इंस्टॉल करते हो, मोडिंग करते हो, PC में मोडिंग करते हो, GTA 5 के फैन हो, GTA की गेम प्लेस देखना पसंद करते हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कनेक्ट दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय गाइज़।